नमस्कार भाऊ साहब। एक आदमी और छोटी सी बच्ची को देखा है क्या? किधर घायल है दोनों। अरे सामने ही हॉस्पिटल है, ले चलो इनको। हाँ ले चलते हैं। उठा 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 क्या हुआ? मिले क्या? तो जल्दी फिनिश करो ना, तो तुम लोग वो ब्रिज के वो साइड देखो, ये साइड में देखता हूँ, ठीक है? एक्सीडेंट हुआ है, लगी आपको? रुक जाओ। थैंक यू भाई, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। मैं मर जाऊंगा लेकिन सत्या को आर्या तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। सुन रहे, इकट्ठा कर सब स्टाफ वाले को, अभी बोला। ए डॉक्टर नर्स सब के सब यहाँ आओ जल्दी, चलो चलो। फोटो दिखा बच्ची का। यह हमारे घर की बच्ची है, देखो जरा ध्यान से, किसी ने देखा है क्या? किसी ने मुझे पहचान लिया तो? ये बेला, बेला लाश बनी हुई है। जई का दिमाग कस्तूरी ने खराब करके रखा हुआ है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेला अगर अपने आप को नहीं संभालेगी ना तो बहुत बुरा होगा, उसे अपने आप को संभालना होगा। वही तो है, उसके सिवा कोई नहीं है जो इंसाफ मांग सके, अंकुश के लिए, आर्या के लिए लड़ सके। आप कहाँ जा रहे? आओ। घर पे बहुत लोग परेशान है, इसके आजूबाजू रो रहे हैं, तो उनको भी संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहे। इधर हो सकता है किसी ने लाया होगा इलाज करने के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है ना, ये इमरजेंसी में वो लोग लिखते नहीं है, डाल देते हैं अंदर, तो अगर किसी को पता चलेगा तो भाव साहब को आके बताने का। 50,000 रुपए लेके घूम रहे, जो भी बताएगा चापड़ तो उसके हाथ में देने के। हम लोग पैसे पैसा दिखा, इनाम भी तैयार है, लेके ही घूम रहे, जो बताएगा उसको तभी चापड़ तो हाथ में दे देंगे। एक बार अच्छे से वापस देख लो फोटो, चाहिए तो अपने फोन से भी एक फोटो काट लो उसका, कुछ भी पता चलता है बताने का, इन्फॉर्म करने का हम लोग को, ठीक है? हटो यहाँ से। क्या? मैं वो दवा लेने जा रहा था। ये ट्रॉली मुझे चाहिए, इमरजेंसी है। ए सिस्टर हेलो। इनको भी फोटो देखा, आप देखे ना फोटो, देख लो एक बार। ये बच्ची का कुछ पता गिरेगा तो बताने का हमको। हे पापा, बाल बाल बच गए। ए बेला, चल अब उठ, उठ बेटा, बहुत हो गया। तू एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की विधवा है, तू तुम्हें इस तरह ये हाल करके बैठना, इस तरह हार मान के बैठना शोभा देता है क्या तुम्हें? ना अंकुश की लाश मिली है, ना आर्या की, ना राहु भी लापता है। बेला
तुम्हें पता करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। ए बेला, इधर जही साड़ी तेरे उठना गया। सत्या और कस्तूरी बहका रहे हैं उसे, हमारे हाथों से निकल रही है हमारी बच्ची। उस बेरहम सत्या और कस्तूरी की छत्र छाया में नहीं पल सकती हमारी बच्ची। बेला, तुम सुन रही नहीं क्या? तुम्हारे पति का खून किया है उन लोगों ने, और उस मासूम बच्ची को मार। बेला, बेला तू गुस्सा हो, निकाल दे अपने अंदर की भड़ास। तुझे हम जिंदा लोगों का वास्ता, मरे हुए लोगों का वास्ता। आर्य, तुम कमरे से बाहर क्यों गई? अब यही छुपी रहना। झंडा काका, वो आते ही होंगे। भाऊ साहब के आदमियों ने हॉस्पिटल को बाहर से घेर रखा है। तुम गलती से भी उन्हें मत दिखना। और ये डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? नमस्कार भाऊ साहब, नमस्कार। ये मेरा हॉस्पिटल है, एंड आई अश्योर यू यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं आई है। अच्छा, अब मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ, और अगर आ भी गई ना तो मैं आपको तुरंत ही खबर कर दूंगा ना। एक सर का नंबर ले, आपको कुछ पता चलता है इसको फोन करना, और आप भी इसका नंबर ले। हाँ? लगा भी नहीं है, आखिर है कहाँ? साहब, वो बच्ची आपकी भतीजी शायद यही है। उसे आइसोलेट करके अलग वार्ड में रखा है। बहुत मुसीबत मोल लेकर आई हूँ भाऊ साहब, आप संभाल लीजिएगा। एक मिनट रुक। और बताओ। डॉक्टर साठे इन्फेक्शियस डिजीज के वार्ड में अकेले एक बच्ची का इलाज कर रहे हैं। वहां जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, हमें भी दूर रखा है। रजिस्टर में उस बच्ची की एंट्री भी नहीं है। बेला, तू तो हार ही मान ली है, जैसे किस्मत से, जिंदगी से टूट चुकी है बेचारी, बिखर गई है। ऐसे ऐसे मदद लेंगे? नहीं, मैं ठीक हूँ सर, रुकिए तो। अरे नहीं नहीं, बच्ची के पास जाना है, ठीक हूँ मैं। नमस्कार बहू साहब। सीढ़ियों से चढ़ के जाता हूं तो ही उससे पहले पहुंच पाऊंगा। आ,
आप लोग फिर से यहाँ पर? भाव साहब ये रूम क्वारंटाइन है, आप अंदर जाएंगे तो भयानक इन्फेक्शन लग सकता है। भाव की भतीजी है, समझा डॉक्टर? आइए भाव। भाव साहब प्लीज। मुझे थोड़ा वक्त दो ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अगर ये राउंड रहा जो और ये राउंड फ्लाई चीज जाए तो उसे कुछ नहीं होगा ना। उसने ऑलमोस्ट मेरी आंखों के सामने दामिनी बहिनी को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी वजह से दामिनी ने अपनी जिंदगी गंवाई है। आदमी को सीवी इन्फेक्शन है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। बेला, मारा, तू ठीक है ना? हाँ? इसे घर ले चलते हैं, वरना हम इसे भी खो देंगे। जो इसको संभाल सके वो तो चला। बेला आप बाहर चलिए। देखा भाव साहब, मैंने आपको कहा था ना कि नॉर्मल लोगों के लिए ये कमरा नहीं है, आई मीन ये रूम नहीं है, और यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। भाव साहब पहले ही कहा था मैंने आपको, अब आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इसको लगाना सुई। ये बच्ची है। गए। काका। चलो बेटा जल्दी चलो, हमारे पास ना समय नहीं है। चलो आप दोनों मेरे साथ घर चलेंगे। सिस्टर इनकी दवाइयां पैक कर दो। श्योर सर। बेटा हम यहां से है ना दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। टेंशन ना करियो साहेब, उसके बचने के अब कोई आसार है नहीं। जो हुआ उसे भूल कर हमें आगे बढ़ना होगा। सत्ता के बारे में सोचिए साहेब। उसी सत्ता के लिए बहुत सारा पैसा लगता है कस्तूरी। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सही गलत का भेद तुम भी नहीं सिखा पाई ना इसे। इसे सिखाना नहीं कहते, स्वार्थ कहते हैं। पैसों का स्वार्थ, रुतबे का स्वार्थ, सत्ता का स्वार्थ। मैं क्या कहीं की जज हूं जो फैसला लूंगी? क्या बुलाती हैं आप मुझे, नाचने वाली ना? साहिब मेरे भगवान हैं और मेरे भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। जो सपना दूसरों के खून से रंगा हो उसे बाप का कभी पूरा नहीं होने देंगे।
एक दिन तुझे जवाब देना ही पड़ेगा सत्या, उसकी अदालत में खड़ा रहना पड़ेगा, तब तेरे पाप पुण्य का चिट्ठा पूरी तरह खुल जाएगा। अरे ये इनके मुंह से मेरे लिए एक भी अच्छा शब्द नहीं निकल रहा है। ए, इन लोग को घर में रखा है, मैं ध्यान रख रहा है, ख्याल रख रहा है ये लोग। नहीं रे सत्या, छोड़ो ना, तू हमें क्या सहारा देगा, आसरा तो वो हमें देगा, वो देखेगा हमें, वो हमें इंसाफ देगा। आज तुम जीत गए ना, हम हार गए, लेकिन एक बात याद रखना सत्या, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर नाटक के दो अंक होते हैं, हर कहानी के दो सिरे होते हैं, आज नहीं तो कल, आशा तो पलटेगा ही। तुम दोनों ने अंकुश को हमसे छीना, आर्या को हमसे छीना, आए तो लगेगी ही, बद्दुआ तो लगेगी ही। तुम दोनों को कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। जिस बेटे को तुम इतना प्यार दे रहे हो ना, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं देगा। जिसे तुम अपना उत्तराधिकारी कह रहे हो ना, वो ना तो कभी तुम्हें उत्तर देगा और ना ही कभी अधिकार। इसे बद्दुआ समझना या भविष्यवाणी या फिर प्रकृति का नियम, जो गलत काम करके ऊपर जाता है ना, उसे एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। अब जवाब हमें नहीं उसे देना सत्या, जो आएगा तेरा हिसाब करने। जो आएगा तुझे सवाल करने। हम दोनों रहे या न रहे, हमारी आत्माएं उस दिन का इंतजार जरूर करेंगी, जिस दिन ये भाव साहब गिरेगा अपने अहंकार से, अपनी पदवी से, अपनी कुर्सी से, अपनी आंखों से। आर्या को छोड़ दे सत्या, क्या हो गया बेटा? सपना देख रही थी ना? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सॉरी बेटा, ये जो कुछ भी है ना तेरे साथ, ये मेरे कारण ही हुआ है। तेरे को भाव के हाथ लगने ही नहीं देना चाहिए था बेटा, पर बेटा अभी कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, मैं कुछ गलत होने ही नहीं देगा ना बाबा। मैंने बेटा, ना तो तेरे बाबा मिले और ना ही उसकी बॉडी मिली, किसी को कुछ भी नहीं मिला। शायद वो नदी में बह गए होंगे। बेटा देख रोने का नहीं, दबंगी लड़की है ना मेरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा। देख बेटा, अब हमें ना नई शुरुआत करेंगे। मैना तू? मैना से मैं दूरी ठीक हूँ, यही मेरी सजा है। तभी तो ये तेरा राज जो है वो राज रह पाएगा ना बेटा।
नदी पे गिरने पे लगा था। ये सोनू के साथ मंदिर के पास खेल रही थी तब लगा था। ये भोपला के साथ लड़ाई कर रही थी तब लगा था। ये सीढ़ी से गिरी थी तब लगा था। ये अमरूद के पेड़ से टकराई थी तब लगा था। ये सारे निशान के साथ बहुत अच्छी अच्छी याद है काका, पर ये वाला निशान हमेशा उसकी याद दिलाएगा जिसने मेरे आए बाबा को छीन लिया। बेटा लेकिन बदकिस्मती से ये सत्या ही तो तेरे बाबा है ना। वो बाबा नहीं, वो शत्रु है, वो भी और कस्तूरी काकी भी। तेरे काका ही मेरे बाबा थे। अब कुछ राज्य वर करके बैठी हूँ मैं। हर सीख मुझे याद रही। अभी मैं छोटी हूँ पर बड़ी भी तो होंगी ना। ये लड़ाई आजकल की नहीं बरसों की है। इन्होंने मुझसे मेरी आई छीनी, मेरे पावा छीने, ये सब मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। हिसाब तो मैं पूरा करूंगी, वादा है। लड्डू हो जा, खेल खत्म। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.